क्लास 9 का बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, सेल कोशिका। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये लोग से भी बात करें तो दिक्कत वाला कोई बात नहीं, उसका टेंशन ही मत लेना। और आवाज़ वाज भी क्लियर नहीं आए तो उतना कोई कोई मत सोचना है, पढ़ो। क्या है चैप्टर का नाम? सेल। ठीक है, सेल को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। और हिंदी से होगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? इसका अर्थ, मतलब मीनिंग। तो सेल का मीनिंग क्या होता है पहले इसको जानेंगे। ठीक है, लिख रहे हैं तो साथ साथ लिखते भी जाना है तुम लोग को भी, जो भी क्लास 9 का विद्यार्थी अपना यहाँ से पढ़ सकता है। तो अर्थ, तो सबसे पहला चीज है कि कोशिका शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो कोशिका शब्द एक लैटिन भाषा सेल है, कोशिका शब्द एक लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन भाषा से? लैटिन। ठीक है, लैटिन भाषा से यह शब्द लिया गया है और इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है इसका अर्थ? छोटा कमरा। कोशिका का अर्थ क्या है? एक छोटा सा कमरा। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोशिका को? तो जीवन का सबसे छोटी और मूलभूत इकाई। क्या बोलते हैं? जीवन का सबसे छोटी और मूलभूत इकाई। ठीक है, इंग्लिश में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इस इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी में क्या है? जीवन का सबसे छोटी और सबसे मूलभूत इकाई। तो हम लोग का जो शरीर है बहुत सारा कोशिका से मिलके बना हुआ है। जैसे एक घर बनता है तो बहुत सारा छोटा छोटा जो ईंट से मिलके घर बनता है, वैसा ही हम लोग का बहुत सारा कोशिका से मिल करके एक हम लोग का मानव शरीर बनता है। ठीक है, तो इसका खोज कौन किया था थोड़ा बता दो? कौन? रॉबर्ट हुक ने। कब किया है? 1665 ईस्वी। ठीक है, तो इसका खोज जो है 1665 ईस्वी में कौन किया है? तो रॉबर्ट हुक। ठीक, उसके बाद और एक आदमी आता है जिसका नाम होता है लेवेन हुक। ठीक है, कौन आता है? लेवेन हुक। ये भी कोशिका का ही अध्ययन करता है, लेकिन बस दोनों में अंतर ये है कि एक जो है मृत कोशिका का अध्ययन किया, खोज किया, और एक जो है जीवित कोशिका का अध्ययन किया, खोज किया। ठीक है, तो एक तो इसको मिटा देते हैं फटाक से। चलो, आज का जो दूसरा टॉपिक है वहां पे साइड में हम टॉपिक लिख दिए ताकि टॉपिक कोई भी स्किप ना हो, छूटे नहीं। तो ये हो गया कोशिका का अर्थ वाला, हो गया पूरा। साइड वाला आ रहा है क्या? नहीं बताओ। ठीक है, दूसरा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव एवं बहु कोशिकीय जीव। ठीक है, इंग्लिश में यूनि सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो एक कोशिकीय जीव और बहु कोशिकीय जीव। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव उसको बोलते हैं जो एक कोशिका से मिलके बना होता है, और बहु कोशिकीय जीव उसको बोलेंगे जो बहुत सारा कोशिका से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो लिख लेंगे हम लोग, क्या है? एक कोशिकीय जीव कौन होगा? जो एक
कोशिका से बना है, ठीक है। उदाहरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका, एग्जाम्पल में इंग्लिश वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, दे आर मेड फ्रॉम वन सेल, ठीक है, सिंगल सेल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी इसको बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव को, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अब ये एक ही कोशिका से अपना सारा सिस्टम पूरा करता है। हम लोग क्या है, हम लोग एक बहुकोशिकीय जीव हैं। तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव के लिए क्या है, तो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए एक पाचन तंत्र होता है अलग से, सांस लेते हैं उसके लिए श्वसन तंत्र होता है अलग, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से होता है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग के लिए ये सब कुछ नहीं है, वो एक ही कोशिका में सारा कुछ काम करता है। ये लोग भी रेस्पिरेशन करेगा है ना, एक ही कोशिका से करेगा, ठीक। इसमें उदाहरण कौन कौन हो जाएगा, अमूबा हो जाएगा, हिंदी में अमूबा, ठीक है। ऐसा ही क्या हो जाएगा, तो पारा मेसियम हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है, एमूबा पारामेसियम बैक्टीरिया ईटीसी इत्यादि, ठीक। अब कौन है, तो बहुकोशिकीय जीव। इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेते लेते पढ़ो, हम तो बोल दिए हैं कि जब हम लिखेंगे तो साथ में लिखो और सुनते जाओ, लेकिन थोड़ा सा लो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक। अब क्या है, तो अब है आपका मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव किसको बोलते हैं, तो जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, ठीक है। इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, मानव, हम लोग, दूसरा क्या हो जाएगा, पक्षी, तीसरा क्या हो जाएगा, पेड़, जानवर, ये सब क्या हो गया, तो बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ईटीसी इत्यादि, ठीक, मिटा दे। चलो, तो जब रॉबर्ट हुक ने सेल कोशिका का खोज किया था, उस समय हम लोग का तकनीकी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, ठीक है। बोल रहे थे कि उस समय तक टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण सिर्फ सेल का मतलब कोशिका का बाहरी ही हिस्सा को हम लोग जान पाए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी आया, मतलब माइक्रोस्कोप आया, और उसके बाद कोशिका के भीतर क्या है उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है, ठीक है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव हो चुका है। तीसरा जो है स्वीडन और स्वान का जो एक कोशिका थ्योरी है 1838 भी रहेगा, ठीक है। तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, ये आया था। ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था स्वीडन और स्वान के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था, तो स्वीडन और स्वान के द्वारा ये थ्योरी सिद्धांत लाया गया था। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि जितना भी जीव है सब कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सभी जीव कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये स्वीडन और स्वान दो भाई जो है ये बताए, ठीक है। और कोशिका क्या होता है, तो वही मूलभूत इकाई है, ये भी ये बात बताता है। ये बात तो बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन ये भी बात को पुष्टि कर देता है, ठीक है। उसके बाद 1855 में एक आदमी है जिसका नाम है विर्चो, ठीक। ये विर्चो क्या करता है, तो कोशिका का जो सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, उसको वो और आगे बढ़ाता है और आगे की ओर इसका प्रक्रिया को ले जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब हम लोग कल जो क्या पढ़ेंगे, तो कोशिका के विभिन्न कोशिकांग
अगला जो भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के विभिन्न कोशिकांग, जिसमें क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका भित्ति होगा, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, केंद्रक होगा, लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, SER, RER, ठीक है, स्मूथ सरफेस, SER, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, और जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नहीं पसंद आए तो चलो कट दो।